आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। भगवान ईश्वर परमात्मा सबका एक ही रूप है। भगवान ने ही इस सृष्टि की रचना की और मनुष्य को सब सुख सुविधाओं के साथ इस संसार में भेजा। मनुष्य को आत्मनिर्भर होने के लिए उसके शरीर का निर्माण इस प्रकार किया कि वो अपना कल्याण करते हुए अपने जीवन को सार्थक कर सके। मनुष्य को वो सब कुछ दिया जिसकी उसे अपना जीवन जीने के लिए जरूरत थी। सृष्टि के निर्माण में सूर्य, चंद्रमा, हवा, पानी, पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु सब कुछ ईश्वर की रचना है। ईश्वर ने सुंदर प्रकृति बनाई और इसे मनुष्य के उपभोग के लिए सौंप दिया। परंतु मनुष्य प्रकृति का आनंद उठाने में इतना व्यस्त हो गया कि वो उस परमात्मा को भूल गया जिसकी ईश्वरीय शक्ति से इस श्रेष्ठ सृष्टि का निर्माण हुआ। मनुष्य खुद को ही ईश्वर मानने जानने लगा और अपने ताकत के नशे में अन्य दूसरे मनुष्य और जीव जंतुओं को सताने लगा। ये देखकर परमात्मा भी सोचने लगे कि मैंने जिस मनुष्य का निर्माण इस सुंदर सृष्टि को प्यार से आगे बढ़ाने और चलाने के लिए किया था, वो मनुष्य आज कैसे कैसे अनुचित कार्यों को करने लगा है। तब परमात्मा ने समय समय पर अपने अंश अवतारों को इस धरती पर उतारा ताकि मनुष्य जागृत हो सके। जब उन अवतारों ने अपना बलिदान देकर भी मनुष्य के कल्याण का संदेश दिया, तब भी मनुष्य स्वार्थी हो उठा और उनके जाने के बाद अपने तरीके से उनके संदेशों का व्याख्यान करने लगा और इन व्याख्यान को उसने अपने अनुसार धर्म का नाम दिया। इस प्रकार कोई भी धर्म परमात्मा की रचना नहीं है, ये तो मनुष्य मात्र के बनाए हुए हैं। फिर भी हर धर्म मनुष्य को एक सही जीवन जीने की प्रेरणा देता है। कोई भी धर्म हमें हिंसा नहीं सिखाता, बल्कि सद्भावना के साथ जीने का संदेश देता है। आज संसार में कई धर्म हैं, हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म। जब ये धर्म उत्पत्ति में आए तब इनका उद्देश्य एक सही समाज की स्थापना करना था, लेकिन आज स्वार्थी मनुष्य इन धर्मों का उपयोग अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए कर रहा है। मनुष्य को ये समझना होगा कि ईश्वर एक है और उसने इस सृष्टि के निर्माण के साथ जब कोई भेदभाव नहीं किया तो उसे भी दूसरों को सताने का कोई अधिकार नहीं है। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। धर्म हमें प्यार से जीने का संदेश देता है। हमें सहन शक्ति, प्रेम और सद्भावना में रहकर परमात्मा में विश्वास करना सिखाता है। हिंदू धर्म में ईश्वर के कई अवतारों का वर्णन मिलता है, जिनमें श्री राम के जीवन से मनुष्य को कई शिक्षाएं मिलती है। श्री राम जी का जीवन धैर्य, कर्तव्य निष्ठा और सादगी का प्रतीक है। श्री राम जी उच्च आदर्शों के प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन में कर्तव्य निष्ठा और प्रेम का संदेश दिया। आपको हमारा ये खास कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देश विदेश, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, व्यापार, बाजार, लाइफस्टाइल और फिल्मी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया A1 न्यूज़, जो रखे आपको A1।